आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है कि आज तक ये आंगनबाड़ी खुला ही नहीं है, तो फिर सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है? पदाधिकारी घर में सो रहे हैं, एसी में चल रहे हैं, उनको क्या लेना देना है? उनको तो महीनवा दिन कमीशन आ जाना चाहिए, लेकिन कमीशन लेने से नहीं चलेगा। सीडीपीओ को इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इसका आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि यह गरीबों से रिलेटेड समाचार है और इसको हम लोग किसी भी हद तक छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है तो फिर खुलता क्यों नहीं है? अगर खुलता नहीं है तो क्या बात है? या तो दबंग व्यक्ति है, और दबंग है तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उसने करने का जो साहस किया है, यह बढ़ावा किसने दिया? प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया। अगर प्रशासनिक अधिकारी इस पर काम नहीं करते हैं तो यह लोग कह रहे थे, यहाँ के लोग कह रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे, इस चीज पर आंदोलन होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हक अगर कोई नहीं दे रहा है तो फिर उसके लिए महात्मा गांधी ने कहा है कि आंदोलन करो, और आंदोलन करना कहीं से भी गलत नहीं है। और एक चीज हम बता देते हैं उन पदाधिकारियों को कि आप खाली कमीशन के पीछे रहिएगा तो साहब 2021-22 अब यह जितना भी समय आगे बढ़ रहा है लोग जागरूक हो रहे हैं, चलना मुश्किल कर देंगे। आप यहाँ आइए, यहाँ त्वरित कार्रवाई कीजिए। जो भी इसके संचालक हैं, सेविका है, सहायिका है, जो भी लोग हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब मासूम बच्चे, देखिए देखिए इनके आहार को अगर कोई खा रहा है तो याद रखना कि तुम्हारे बाल बच्चों का भी आहार एक समय में कोई खाएगा। इसलिए गरीबों का हक जो है ना, उसको कभी मारो मत, ये हम आपसे कह रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह, फिलहाल हम अभी फलका प्रखंड के भरसिया पंचायत में मौजूद हैं। भ्रष्टाचार का सीमा जो है ना, वो पार हो चुका है। सरकार को भी इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। काहे कि सिर्फ कर कागज में ही करने से कुछ होगा क्या, धरातल पर भी होना चाहिए। यहाँ के पब्लिक जो हमको यहाँ के लोगों ने बोला, उससे प्रतीत यही होता है कि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार, दबंगई भी सरकारी योजनाओं में चरम सीमा पर है। यानी जितना बाहुबली उतना ही चोरी कर सकते हैं आप। हम यह चीज़ इसलिए कह रहे हैं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों का लगाना है। ये नन्हे मुन्हे बच्चों को आप देखिए कि इनको अभी आंगनबाड़ी केंद्र में होना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, आंगनबाड़ी केंद्र मनमाने ढंग से अपने घर पे चलाना है, जबकि सरकारी भवन है। हम कहेंगे कि आप दिखाइए इस सरकारी, दिखाइए इस सरकारी भवन को, कि इस भवन की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। आखिर क्यों नहीं इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है? अपने ही घर पर चलाने का क्या मतलब है? जब हमने इनसे पूछा कि अपने घर पर ही वो क्यों चला रहे हैं, तो इनका कहना था कि वो चलाते कहाँ हैं। वो आज तक किसी भी बच्चों का कोई भी जो सामान मिलता है, चावल दाल या गर्भवती महिलाओं को जो मिलता है, शायद वो नहीं दे पाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप दबंग हैं, और या तो भ्रष्टाचार पदाधिकारियों से मिलकर आप भी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के गरीब लोग भुगत रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। अभी तो लोग बच्चा नहीं, कोई वहाँ बैठे रहती नहीं, से कोई लाभ नहीं मिल रहा है अभी तक ना। कुछ हाँ, नहीं होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं होवे नहीं करता है। बच्चों नहीं, को पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितना साल? हाँ यदि सर, हम लोग बोलते हैं आप सर हो गया बनने से, बच्चे सब क्यों नहीं पढ़ता है? तू बोलता है कि अभी नया स्कूल है, अभी कभी बच्चा पढ़ा ही नहीं है। कलेक्टर आएंगे, डीएम आएंगे, सीआई आएंगे, चिट्ठी आएंगे, हमको ताकत देगा, तभी बच्चे सब यहाँ पढ़ेंगे। चिट्ठी मिलेगा तब खुलेगा। अब बताइए सर, कहाँ से उसका चिट्ठी आएगा? इंग्लैंड से? 7-8 साल से हो गया, अब उसको चिट्ठी नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, क्या इंग्लैंड से बोल रहे थे सर? वही बात बोलते हैं कि वो लोग बोलता है कि सर इस बच्चा की क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो बोला कि डीएम आएगा, कलेक्टर आएगा, सीओ साहब आएंगे, यहाँ फीता कटेंगे, उसके बाद जो है बाल बच्चा सब कोई पढ़ेंगे। वो फीता कटेगा उस बिल्डिंग का? सर, अब हम लोग जाने वाला है, उसका फीता कटेगा। अच्छा, बच्चा सबको कुछ नहीं, आंगनबाड़ी जाता ही नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला है सर। क्या नाम है आपका? मैं सर मुनि। कहाँ घर हुआ? घर भरसिया है, डिग्री टोला, वार्ड नंबर 7 में। आप बताइए क्या है इसका?
इसका तो देख ही रहे हैं सबको, आप इससे देख करके आप क्या तो कहता है लोग कि घर पे पढ़ाते हैं, घर पे पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाइए रहा वो हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, बंद है, बोला कि बंद है जब तक ये चला कोरोना तब से ही बंद है। अच्छा घर पे भी अगर पढ़ाते हैं तो कुछ नहीं देते हैं सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ये बंद है। यहाँ का बच्चा वहाँ जेबेर करता है, घर पर जाएगा कैसे? यहाँ का बच्चा नहीं जाता है, यहाँ का बच्चा नहीं जाता, ऐसे घूर करके जाएगा वहाँ? अच्छा रोड पर जाए, कोनो हादसा हो जाएगा तो कोई गया, कोई इसका कोई क्षति पड़ते? अच्छा अच्छा, महिलाओं से पूछते हैं की बोला कि नहीं मिले छो कुछ गर्भवती महिला सब का कुछ जे मिल है? अच्छा रुका ना, कुछ नहीं दे छे देरी दिना हो गेल छे, अंगनवाड़ी बनला सब बच्चा सनी छटका सनी बिलते छे, कहिया मां कहिया खुलते जे कहिया बच्चा सनी चालू होती? कुछ नहीं दे छो ने? नहीं दे छे कुछ, मिले छे कुछ नहीं, कुछ मिले छे की बोले रो बोला कहे छियो हमरा पुतोस नी एंट्र छे कोन कुछ दे दे छे सरकारो, आंगनबाड़ी से कुछ नहीं मिले छे बच्चा सब का? तो कोरो तीन कुछ निमकोन 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 ताला के मारा है? ताला ताला मार को छे जगरा छे पक्का वही सर, ताला मारा है। कौन ताला मारे हैं? वही जद्दू ठाकुर। क्या बोले हैं? ताला मार के रख देते हैं, इसको जब होगा तब खोलेंगे तो हम ही खोलेंगे, बाकी यदि उसको खुला यदि रहता है तो सर फलना चिल्ला जंगल झाड़ जो है उसमें जो है सब कोई रख देता है, इसीलिए जो कि हम ताला मार के अपना चले जाते हैं। चाबी उसकी लेकर के चला गया है तो हम लोग भी छोड़ दिए हैं कि भाई काहे उसको खोलेंगे। मैं सुमित कुमार यादव ग्राम भरसिया का निवासी हूँ। मैं आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर आज सहस्त्र न्यूज वाले से आग्रह किया कि भैया आके थोड़ा सा मेरा गांव का हाल देखिए, क्योंकि हमारे गांव में हमें तो दिखाई जो दे रहा है कि मनमानी हो रहा है। हम लोग किसको बोलने जाए, जिसको बोलेंगे वही धोब देगा। तो न्यूज से हम सहारा लेने के लिए आज ब्रजेश जी को मैं बुलाया कि हमारे गाँव में आंगनबाड़ी बैंक केंद्र बना हुआ 5 से 7 साल हो गया, आज तक उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? जिस जगह आंगनबाड़ी केंद्र है उस जगह बहुत गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ के बच्चे बैठने के लिए भी तरस रहे हैं, कहाँ बैठेंगे, उन्हें जगह ही नहीं। तो इस चीज को लेकर हम आज 58 58 58 क्या नाम है सभी का? मीरा देवी।